देखिए वो मोदी का योजना का विरोध करते करते मतलब देश का भी विरोध करने लगते हैं। ठीक है, मोदी देश इस समय तो बीजेपी के वही चला रहा है ना, इस समय तो पूरे वर्ल्ड में वही फेमस है, आपके नजर में फेमस नहीं, हमारे नजर में फेमस है, इसी को प्रजातंत्र बोलते हैं, आपके नजर में अच्छा है। देखो अंकल की नजर खराब है तो हमारी गलती थोड़ी है, क्या हमारी नजर में मोदी फेमस है? नजर में मोदी जी फेमस है या नहीं है? नहीं नहीं, 140 करोड़ जनता के लिए मोदी जी फेमस है। वो कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बंदा 10वीं क्लास में 90% नंबर नहीं ला सकता, ये राम को लाएगा। अरे यार क्या गजब मूर्खता है। आपको राम आने पे खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है? नहीं, भगवान को लाने की खुशी तो राजनीतिक मंच पे मचाऊंगा क्या मैं? मतलब राहुल गांधी आएगा, राम मंदिर बनने से राजनीतिक, बिल्कुल भाई राम का नारा राजनीति का नारा कब? एक बात बताइए, 2014 में कोई मंदिर का मुद्दा नहीं था, इनको तब भी मोदी जी से दिक्कत थी। 2019 में तब भी मंदिर का मुद्दा नहीं था, तब भी इनको दिक्कत थी। बीजेपी पैदा ही मंदिर के मुद्दे पे हुई है। एक बात बताओ, मंदिर की जो जमीन है वो मोदी के बाप दादाओं की है, मोदी ने मंदिर दे दिया। अरे यार हद हो गई। मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने आने के बाद में इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद कराई हैं, इंडिया वालों की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की। इनके घोटाले कांग्रेस के टाइम पे ही आ रहे हैं, ये सत्ता में थे, इनके घोटाले इनके सामने थे, ये नहीं बोलेंगे भाई साहब। कैग की रिपोर्ट कहती है भाई साहब, यही कॉमनवेल्थ गेम करवाया था, तुरंत कॉमनवेल्थ गेम करवाया था, सत्यानाश कर दिया उसी समय, घोटाले की रिपोर्ट आ गई थी, घोटाला किया है भाई साहब। आपका क्या कहना है कि अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा? मैडम बेरोजगारी तो 2014 से ही मुद्दा नहीं है, लोगों को फायदा हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी लगी तभी तो वोट दिया, पूर्ण बहुमत दिया 30 साल बाद। फिर 2019 आया तब भी लोगों को बीजेपी का काम पसंद आया, मोदी जी का काम पसंद आया, पूर्ण बहुमत दिया। इस बार तो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, 400 प्लस इंडिया और एनडीए बीजेपी जाएगी, तो अगर 400 प्लस जाएगी ऐतिहासिक जीत होगी जैसे गुजरात में हुई है, तो इसका मतलब लोगों को प्लस, लोगों को फायदा हो रहा है ना, लोगों को बीजेपी पसंद है, लोगों को मोदी जी पसंद है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस वक्त, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा उठाएं, चाहे वो रोड का मुद्दा उठाएं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाएं, मोदी जी का विकल्प आज की डेट में नहीं है 2024 में। इसलिए मोदी जी 3 बार आएंगे, हैट्रिक होगी, और 400 प्लस बीजेपी एनडीए। प्रॉब्लम ये है हमारा विपक्ष ढंग से मुद्दा उठा ही नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर का मुद्दा आया था, मणिपुर का इतना बढ़िया मुद्दा हाथ में आया था, 2 महीना पूरा हंगामा काटा, मोदी जी बोलते क्यों नहीं बोलते, जब बोले उठ कर भागे। मुद्दों को उठाने के लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने, वो छोड़ो यात्रा करने दो उनको, घूमने दो, क्या दिक्कत है और क्या करेंगे मैडम? वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, वो भारत जोड़ो राहुल जी के लिए, और कांग्रेस मतलब न्याय यात्रा कांग्रेस की अपनी जोड़ो यात्रा है कि कांग्रेस इकट्ठी हो जाए, जो 300 से 54 पे आ गई है और हो सकता है इस बार 20 पे आ जाए, वो कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा है। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत तरक्की कर रहा है, और इसीलिए 2014, 2019 और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, तो इसका मतलब लोग खुश हैं ना, लोग जो भी गवर्नमेंट कर रही है, डिसीजन ले रही है, उससे खुश हैं, इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में रिपीट कर रही है। ये राहुल गांधी भी जानते हैं, खड़गे जी भी जानते हैं, और 26 के 26 जो कि इंडिया गठबंधन बनाने के चक्कर में, जो कि आज तक गठबंधन बना ही नहीं, सब जानते हैं मोदी जी आ रहे हैं, उनका कोई विकल्प ही नहीं है, वोट का वोट तो संभाल लें राहुल जी के नेतृत्व में, सारे सीनियर नेता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? कौन तो भाग रहा है? कैप्टन जैसे सीनियर नेता, गुलाम नबी जैसे सीनियर नेता, वो भाग क्यों गए? कौन भाग गया? गुलाम नबी आजाद गए, पाकिस्तान चले गए क्या? पाकिस्तान पार्टी छोड़, मैं वो बात कर रहा हूँ कि पहले राहुल जी अपने पार्टी को संभाले, फिर उसके बाद विपक्ष के कोई मुद्दा ही नहीं है ढंग का। मुद्दा आपको क्या लगता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी की योजनाओं का मतलब विरोध करती है या उन्हीं का विरोध? देखिए वो मोदी का योजना का विरोध करते करते मतलब देश का भी विरोध करने लगते हैं। ठीक है, मोदी देश इस समय तो बीजेपी के वही चला रहा है ना, इस समय तो पूरे वर्ल्ड में वही फेमस है, आपके नजर में फेमस नहीं, हमारे नजर में फेमस है, इसी को प्रजातंत्र बोलते हैं, आपके नजर में अच्छा है। देखो अंकल की नजर खराब है तो हमारी गलती थोड़ी है, क्या हमारी नजर में मोदी फेमस है? नजर एक मिनट आपकी नजर में मोदी जी फेमस है या नहीं है? नहीं नहीं, एक मिनट, 140 करोड़ जनता के लिए मोदी जी फेमस है, इसीलिए रिपीट मार रहे हैं। देखो सुनो कबीरा, एक शेर है तुम लोगों के लिए, कबीरा तेरे देश में कोटी कोटि के दुर्द, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख। अरे गजब बात कर रखी है यार,
मतलब मोदी जी इतने फेमस हैं, घंटा फेमस है मोदी जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पा रहे, ठीक 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक IMF ने वार्निंग दे दी, मोदी जी इतने फेमस हैं, देश की GDP का 100% कर्ज लिए बैठे हैं, इतने फेमस हैं, ठीक हंगर इंडेक्स में भारत पिछड़ रहा है, ये कह रहे हैं डेटा तो कुछ भी आता है, हंगर इंडेक्स तो हमारे घर में तैयार होता है ना। मोदी जी फेमस की बात कर रहे हैं, जब देश की जनता आज 10 साल से मोदी जी को ला रही है और 2024 में ला रही है तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, देश की जनता पसंद करती है मोदी जी को और मोदी जी 2024 में हैट्रिक करने वाले हैं। मैंने 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 इसलिए वो बात बोली थी, ये जो सर्वे सर्वे थे ना फर्जी होते हैं, ये भाई हंगर इंडेक्स की बात कर रहा, श्रीलंका को हम दे रहे हैं गेहूं श्रीलंका को, अब वो हमसे हंगर इंडेक्स ऊपर आ गया, ऐसे तो इंडेक्स है ऐसे ही सर्वे। अभी तुमने देखा वो कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बंदा 10वीं क्लास में 90% नंबर नहीं ला सकता, ये राम को लाएगा, अरे यार क्या गजब मूर्खता है। आपको राम आने पे खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है? नहीं, भगवान को लाने की खुशी तो राजनीतिक मंच पे मचाऊंगा क्या मैं, मतलब राहुल गांधी आएगा मैं राम मंदिर बनने से राजनीतिक मंच बन गया। बिल्कुल अच्छा। भाई राम का नारा राजनीति का नारा कब, एक यहाँ भगवान की मूर्ति लग रही है जो जय श्री राम चिल्लाऊं, भाई मंदिर में जाऊंगा तो धार्मिक बनूंगा, ठीक है देश में हूँ देश की बात करूंगा तो नागरिक बनूंगा, अच्छा नागरिक भगवान के लिए, भगवान के नारे का इस्तेमाल नेताओं के लिए नहीं करता, दो गोली का नेता मंदिर का। एक बात बताइए, 2014 में कोई मंदिर का मुद्दा नहीं था, इनको तब भी मोदी जी से दिक्कत थी, 2019 में तब भी मंदिर का मुद्दा नहीं था, तब भी इनको दिक्कत थी, मंदिर का मुद्दा था उससे पहले भी, मंदिर का मुद्दा था, बीजेपी पैदा ही मंदिर के मुद्दे पे हुई है, बीजेपी की पैदाइश मंदिर के मुद्दे पे है, ठीक है 2024 में अगर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो इनको मंदिर से दिक्कत नहीं है, जो मोदी जी वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं उससे दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है इनको, लेकिन एक मिनट कह रहे मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, एक बार बताओ मंदिर की जो जमीन है वो मोदी के बाप दादाओं की है, एक बार बताओ, ठीक मंदिर का जो पुजारी है वो मोदी के बाप दादा को खानदान के पुजारी है, एक बार बताओ मंदिर को डोनेशन मिला है वो अकेले मोदी ने सारा पैसा दिया है, ठीक ये बताओ मोदी जो राम मंदिर बनाने का जो निर्णय आया वो मोदी ने संसद में पास किया अध्यादेश से, कोर्ट से पास हुआ, जमीन वहाँ के लोगों की, मुकदमा लड़ा वहाँ के महंतों ने, ठीक है पुजारी बनेंगे महर, मोदी ने मंदिर दे दिया, अरे यार हद हो गई की। अभी थोड़ी देर पहले अंकल जी कह रहे थे कि मोदी फेमस है, फेमस होना अच्छी बात नहीं, कि फेमस जो आदमी उसको क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे, फेमस तो विराट कोहली भी हैं, उसके 260 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है, उसके क्या प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए तो देश को चलाए, फेमस तो कोई भी हो सकता है, फेमस तो बहुत मैं इनको बता रहा हूँ मंदिर मोदी ने बना दिया, किसने बना दिया 2010 में, सुनियो पूरी बात सुनियो, थोड़ी शांति रखियो पूरी सुनियो, हाँ ठीक है हाँ पूरी सुनूंगा मैं तुम्हारी, सुन ही रहा था मैं तो, 2010 में टूटी फूटी सरकार थी खिचड़ी मिक्सचर, और 2010 में हाईकोर्ट का डिसीजन कैसे आया था, 3 में बांट दो 1 2 3, अब की बार डंडे की सरकार थी, डंडे की सरकार थी, हाँ हाँ करवा दिया भैया, देखो पॉइंट टू भी नोटेड बताऊं, अरे सुन तो ले, मैंने मुझे पता था सुन नहीं पाओगा मेरी बात, मैंने पता था मेरी बात सुन नहीं पाओगा, मेरी बात सुन तो ले, हिम्मत रख थोड़ी, दोस्त सुन तो ले मेरी बात पूरी, तो सुन मेरी बात, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, कुछ भी नहीं होने वाला, 2024 में राम मंदिर वाले विपक्ष वाले पता क्या कर रहे थे, सुन तो ले भाई सुनो तो, विपक्ष वाले पता क्या कर रहे थे, रंजन गोगोई को राज्यसभा की सीट दे दी, वो मैनेज कर रहा था, कर दिया वही मैनेज कर रहा था, मोदी ने करा, भाजपा ने दिया मोदी ने करा है, कर ले देख लो, ये कह रहे हैं क्या कर रहा मैनेज किया, मैं कह रहा विपक्ष कर रहा था, विपक्ष एक मिनट विपक्ष कर रहा था, क्लियर कह रही है जनता, यानी देश में दूसरा जो वो था मैनेज नहीं हो रहा था, पहले मैनेज नहीं हो रहा था, अब ये तो तुम कह रहे हो ना मैनेज हो रहा, अब हो रहा ना मैनेज, हुआ ना मैनेज, राम मंदिर का जो डिसीजन है वो निष्पक्षता से नहीं आया, मैडम मोदी जी ने बीजेपी की सरकार ने आने के बाद में इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद कराई हैं, इंडिया वालों की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, अरे मोदी तो रोजगार नहीं दिया, ने रोजगार तो देना चाहिए ना, हाँ मोदी ने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, हाँ गरीब के लिए क्या करा, कुछ भी नहीं करा, बोल रहा की गरीबी हटा देंगे, गरीबी क्या भुखमरी चाह दिया, भ्रष्टाचार की दुकानें बंद की है कांग्रेस की, बताइए कि देश में महंगाई करके रख दिया, बेरोजगार हो गया, कुछ भी मोदी का नहीं हुआ है, मोदी खाली दंगा करा रहा है, दंगा हाँ पब्लिक का लड़ा रहा है, बढ़वा रहा है, हाँ बीच में अब की भाजपा नहीं आएगा, घोटाले
कांग्रेस के टाइम पे ही आ रहे हैं, ये सत्ता में थे, इनके घोटाले इनके सामने थे, ये नहीं बोलेंगे भाई साहब। कैग की रिपोर्ट कहती है भाई साहब यही कॉमनवेल्थ गेम करवाया था, तुरंत कॉमनवेल्थ गेम करवाया था, सत्यानाश कर दिया, उसी समय घोटाले की रिपोर्ट आ गई थी, घोटाला किया है भाई साहब। मोदी खत्म, अब की नहीं आएगा मोदी, मोदी अब की आएगा नहीं, कोई हालत नहीं आने वाला है। राजीव गांधी ने बोला था एक बार भेजता हूं 25 पैसे की, अब की नहीं आएंगे, पूरा पैसा खा जाते हैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस से शुरू से भ्रष्ट है।